जो लोग भक्त लोग महागढ़ आए हैं, लोगों के लिए एक सूचना है और एक विचारधारा है। भाइयों, ये मैंने रास्ते में से कूड़ा इकट्ठा किया है, देखो इसमें ये दारू की बोतल, ये पानी, ये देखो एक कच्छा, ये बनियान, ये पानी की बोतलें। भाइयों, ये हमारा महावगढ़ जो है हमारा तीर्थ स्थान है और हमारा दर्शनीय स्थान है और हम महावगढ़ में पूजा पाठ करने के लिए, अपनी मन्नतों को मांगने के लिए जाते हैं। भाइयों, हम अपना घर साफ करते हैं, यहाँ पर मंदिर है, ये भी हमारा, ये हमारा तीर्थ स्थान है, इसे कौन साफ करेगा? और जो आदमी अपने घर में इतनी गंदगी रखता है और अगर अपने मंदिर को ऐसा गंदा करेगा तो वह भगवान के मंदिर पर आकर भगवान क्या करेंगे, उसको क्या आशीर्वाद देंगे उसको? ये जो बच्चे तुम लोग हो, हम जहाँ भी जिस मंदिर में भी जाएं, ये पवित्र स्थान है, ये आप लोगों के लिए भी एक शिक्षा है कि ऐसे पवित्र स्थानों में इस गंदगी फैलाने वाले को भगवान क्या आशीर्वाद देंगे। और ये जो प्लास्टिक है, ये जो कूड़ा है, ये कभी गलने वाला नहीं है, इसकी गंदगी हजारों हजारों साल तक बनी रहेगी। और अगर इस तरह हमारे तीर्थ स्थान गंदे होते रहे तो किसी दिन यहाँ पर गंदगी का ढेर लग जाएगा। दोस्तों, एक दिन मैं स्वर्ण मंदिर में था, वो सिखों का बड़ा गुरुद्वारा है, मैंने सुबह देखा जैसे ही घंटा बजता है, एक घंटे के अंदर सारा मंदिर वो लोग धो देते हैं। हमें उन सिखों से शिक्षा लेनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि उन सिख, वो जो गुरु ग्रंथ साहिब है, वो सभी धर्मों से इकट्ठा करके बनाया गया है। आज वो लोग अपने धर्म स्थानों को पवित्र रख रहे हैं, स्वच्छ रख रहे हैं, और हमारा जो सनातन धर्म है हजारों हजारों साल से चला आ रहा है, हम लोग अपने तीर्थ स्थानों को गंदा कर रहे हैं। इन सब बच्चों से, इन सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ भी, जिस भी मंदिर में जाए, पवित्र स्थान में जाए, इस तरह की कूड़ा कचरा और गंदगी न फैलाए। सर, ताली बजाओ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं इकट्ठा करके लाया हूँ, ये मैंने एक सेवा करी है मंदिर के लिए। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का भी फायदा नहीं है अगर आप गंदगी करते हैं तो। सब बच्चे, मैं एक बार फिर ये कूड़ा उठा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसलिए फेंका है कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के जरिए मैं एक संदेश दे सकूँ और आप सब लोग जो है, आप सब लोगों को भी एक शिक्षा बच्चों को आगे मिलेगी भविष्य में। आप लोग पहलवान लोग हो, बजरंग बली का आशीर्वाद है आपके ऊपर। पहलवान ज्ञानी और शक्तिशाली होता है, तो ये एक ज्ञान मेरी तरफ से आप बच्चों के लिए है। ताली बजाओ। बोलो बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद। Thank you.